आज हम बहुत ही टेस्टी नमकीन बनाएंगे जो कि बहुत ही कलरफुल बन के तैयार होता है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बन के तैयार होगा। इसके लिए हम सबसे पहले बूंदी बनाएंगे। बूंदी बनाने के लिए मैं यहाँ पर बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें हम पालक डालेंगे। पालक को हमें 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख के ब्लांच कर लेना है। 2 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। मैंने एक आधा बीटरूट को भी बॉईल करके रख लिया है। इसको भी हम पीस लेंगे। मिक्सचर जार में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसको छान लेंगे। हमें इसका पानी पानी ही यूज करना है बूंदी बनाने के लिए। ऐसे ही हम पालक की प्यूरी भी बना लेंगे। हम बूंदी बनाने के लिए ग्रीन कलर और बीटरूट का कलर यूज करने वाले हैं, जिसमें कि हम पालक और बीटरूट के कलर से ग्रीन और रेड कलर की बूंदी बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन लिया है। इसमें हम बीटरूट का पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से हम पेस्ट के रूप में बना लेंगे। हमें उसको इतना थिक पेस्ट बनाना है कि जैसे ही हम उसको डालें तो वो अच्छे से फ्लोई कंसिस्टेंसी में आ जाए। आप देख सकते हैं हमें इसको इतना थिक रखना है। ऐसे ही हम पालक का जूस डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से बेसन में मिक्स करके फैट लेंगे। आप चाहें तो फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल कलर के साथ बनाऊंगी। इसको हमें इतना थिक रखना है। ऐसे ही हम 3 कलर की बूंदी बनाएंगे तो तीसरे कलर में हम हल्दी डालेंगे। 2 चुटकी हम हल्दी डालेंगे जिससे कि पीली बूंदी बन के तैयार होगी। इसका भी कंसिस्टेंसी हमें ऐसा फ्लोई रखना है। तीनों बैटर हमारे रेडी हो चुके हैं बूंदी के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल कलर के साथ बहुत ही अच्छे से बैटर बन के तैयार हुए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डाल लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो रहा है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ऐसी झरिया लेनी है जिससे कि बूंदी हमारी बहुत ही अच्छी गोल बनेगी। इसमें पीछे की साइड ऐसे होल होने चाहिए कि थोड़े उठे हुए से होंगे तो बूंदी बहुत अच्छे से निकलेगी। ये नॉर्मल जरिया में बिल्कुल फ्लैट रहता है। तो हमें इस ऊंचाई पे रख के बैटर को पोर करना है या डालना है, जिससे कि आप देख सकते हैं बूंदी इक्वली सब जगह अच्छे से ड्रॉप हो रही है, गिर रही है। जैसे ही सेंटर में जगह पूरी फिल हो जाए वैसे ही हम निकाल लेंगे जरिया को, नहीं तो वो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगी। इसको हमें स्लो गैस पर कर लेना है। थोड़ी सी पिंक हो जाए वैसे ही हम गैस की फ्लेम थोड़ी मीडियम कर देंगे और क्रंची होने तक हम इसको तल लेंगे। ऐसे ही हम पीले कलर की बूंदी सारी बना के तैयार कर लेंगे। अब हम बीटरूट वाली बूंदी बनाएंगे जिसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं सेम है, बिल्कुल अच्छे से गिर रही है बूंदी। येलो बूंदी का टेक्सचर भी मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही अच्छी गोल बन के तैयार हो चुकी है। बीटरूट की बूंदी भी बन के हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारी बीटरूट की बूंदी तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं तैयार हो चुकी है। अब हम पालक की बूंदी को भी बना लेते हैं। ये भी अच्छे से तल के तैयार हो चुकी है, इसको भी हम निकाल लेंगे और ऐसे ही सारी पालक बूंदी बना के तैयार कर लेंगे।
आप देख सकते हैं तीनों बूंदी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही कलरफुल है। मैं आपको इसको प्रेस करके या तोड़ के भी बताती हूँ, ये अच्छे से क्रिस्पी बनी है। आप इस बूंदी से एकदम कलरफुल रायता भी बना के तैयार कर सकते हैं, कलर के साथ ही बिल्कुल फ्लेवरफुल भी बन के तैयार होगा। अब हम सेव बनाने के लिए आटा लगाते हैं। 1.5 कप बेसन लेंगे और उसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 स्पून हम हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम सेव बनाने के लिए बैटर तैयार कर रहे हैं, 2 TSP हम ऑयल डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करके आटा लगा लेंगे सेव के लिए। पानी डाल के हम इसका थिक सा आटा लगा लेंगे। आप देख सकते हैं हमें इसका थिक सा ऐसा बैटर करना है या आटा लगाना है। हम इतनी पतली सेव बनाएंगे उसके हिसाब से हम वैसी जाली ले लेंगे। अब इसको हम मशीन में डालेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसको हम बना लेते हैं सेव को। इसे हमें घुमाते हुए बना लेना है और गैस की फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। जैसे ही हम मशीन को हटाएंगे वैसे ही फ्लेम हम बढ़ा देंगे, मीडियम कर देंगे और इसको हम पलट देंगे। स्लो गैस पर डालना है और मीडियम गैस पर हम इसको ऐसे पलट के निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमें ऐसे सारे सेव बना के तैयार कर लेना है। सेव का बैटर या आटा ज़्यादा गीला हो जाएगा तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी, इसलिए हमें इसको इतना थिक ही रखना है जिससे बिल्कुल भी इसमें आप देख सकते हैं गांठें नहीं पड़ी हैं और हमारी सेव बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो चुकी है। इसको मैं हाथ में ले के आपको प्रेस करके भी बताती हूँ कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सेव हमारी अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। अब हम नमकीन बनाने के लिए जो कॉर्नफ्लेक्स चिवड़े वाला आता है वो ले लेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। ऐसे छन्नी ले लेना है और इसको हमें मीडियम गैस पर डालना है तो ये अच्छे से खिल जाएगा। इसको हमें ऐसे निकाल लेना है। ऐसे ही सारे चिवड़ा कॉर्न को हम तल लेंगे। इसको चिवड़ा कॉर्न के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं सारे मैंने तल के रेडी कर लिए हैं। अब हम पोहा तलेंगे। ये तलने वाला पोहा आता है जो मोटा, वो लेंगे और इसको भी हम मीडियम हाई गैस पर फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं यदि आपने गैस की फ्लेम स्लो रखी तो ये इतना अच्छे से खिलेगा नहीं और ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे और मूंगफली दाने को हम तल लेंगे। ऐसे ही हम बादाम को भी तल लेंगे। नमकीन बनाने में बादाम, मूंगफली, काजू ये सब डालने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सभी नट्स को मैंने तल लिया है और एक्स्ट्रा ऑयल ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप किचन टेबल में ऐसे लगा के रख दीजिए, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। अब हम इसमें मसाला डाल के चिवड़े को या नमकीन को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम पोहा लेंगे, इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे 1/4 स्पून, 1/2 चम्मच हम नमक डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मिर्च डाल दीजिए। ऐसे ही हम कॉर्न चिवड़ा को भी बना लेंगे। इसको हमें ऐसे थोड़ा सा क्रश कर देना है। इसमें हम 1/2 चम्मच
लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हम नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट लिया है जो बहुत पतला रहता है, तो अच्छे से नमकीन में सेट हो जाएगा। अब सारे सेव को हम हाथों की मदद से तोड़ लेंगे। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे सेव बने हैं हमारे। अब सभी बूंदी को हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आपको जितना स्पाइसी बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मसाला ऐड कर दीजिए। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसे ही हम नट्स में भी नमक और मिर्च डाल देंगे। एक चुटकी में लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था। अब सभी को हम बड़ी परात में मिक्स कर लेंगे। आप नमकीन बनाने में पोहा, कॉर्न चिवड़ा और सेव बूंदी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमें सब को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें पाउडर राइस या मुरमुरा भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नमकीन हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।